हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आर के इलेक्ट्रीशियन में। दोस्तों, ये हमारा अंडरग्राउंड का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि हमने कटिंग करके रखे हुए हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड का हमारा इस बिल्डिंग में काम चल रहा है। दोस्तों, काम को पूरा करने के लिए हमें बोर्ड, पाइप, सर्कुलर, बैंड, ये सब सारा चीज़ हमें चाहिए। और उससे भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है एमसीबी। तो एमसीबी को लगाने के लिए भी हमें एमसीबी बोर्ड की ज़रूरत है। तो आज हम एमसीबी बोर्ड आपको लगाएंगे, दिखाएंगे, उसका क्वालिटी भी देखेंगे, कैसा चाहिए, कैसा है, सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है एमसीबी बॉक्स, ये आप देख सकते हैं। और ये इधर का सारा चीज़ जो है लिखा हुआ है यहाँ पे। ये 6 वे का एमसीबी बॉक्स है। इसे आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे, इसे खोलेंगे। चलिए इसे खोलते हैं। इसे हमने ओपन कर लिए हैं। इसके बाद जो इसके अंदर का चीज़ है, इसे भी निकालते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है। ये है एक भाग है, इसे साइड में रख लेते हैं। और उसके बाद इसके अंदर का देखिए, आप देख सकते हैं ये है, ये इसका सामान है, जो कि एमसीबी बॉक्स है, जो लगने वाला है दीवार के अंदर। इसे भी निकाल लेते हैं। ये इसका चीज है, ये आप देख सकते हैं, इसे भी हमने निकाल लिए हैं। और अब जो इसका प्लास्टिक है, इसे भी हटा लेते हैं, इसे खोलकर हटा लेते हैं। और हटाने के बाद इसे निकालते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसे हमने निकाल लिए हैं। और इसके ऊपर एक किताब दिया हुआ है, कागज़ का दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है जो कि कैसे फिट करना है, कैसे नहीं करना है, ये सब चीज़ के बारे में दिया गया है। चलिए इसे भी हटा लेते हैं। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, डू नॉट रिमूव दिस सीमेंट गार्ड फॉर प्रोडक्शन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। ये सेफ्टी फ्रॉम डस्ट, सेफ्टी फ्रॉम वाटर। तो धूल के लिए भी है और पानी के लिए इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके लिए है। निर्माण के दौरान सुरक्षा के लिए इस सीमेंट गार्ड को ना निकालें। तो इसे निकालना नहीं है, इसे ऐसे ही रखना है और इसे इस तरह से फिट करना है दीवार में। चलिए देखते हैं, इसे खोल के देखते हैं उसके अंदर का क्या चीज़ है। इसे भी निकाल कर देखते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो है, ये इसका स्क्रू को हम खोल लेते हैं और खोल कर देखते हैं इसके अंदर का सारा चीज़ को। इसे हम खोल लिए हैं स्क्रू को, अब इसका जो है ये हटा लेते हैं। लेकिन जब आप फिट कीजिएगा तो इसे ऐसे रहने देना होगा, इसे हटाना नहीं होगा, नहीं तो फिर इसके अंदर जो है सीमेंट सब कुछ घुस जाएंगे। इसको हटा लिए। अब है ये अंदर का सारा मटेरियल, ये आप देख सकते हैं। ये है एमसीबी में लगेगा, ये इसका नट बोल्ट है, स्क्रू है। और यहाँ पे एमसीबी फिट होगा, यह न्यूट्रल के लिए बना हुआ है, 6 वे का है ये। चलिए ये हो गया। अब जो है इसका ऊपर का जो कम था, इसे भी खोल लेते हैं, इसे भी खोलकर निकालते हैं। तो ये देखिए, इसे भी निकाल लिया है, इसका जो प्लास्टिक है इसे भी हटा लेते हैं। इसे हटा लिए हैं, ये इस प्रकार फिट होगा इसमें। तो इसे खोल लेते हैं। ये खोलने का यहाँ पे पुश करना है, पुश करके इसे उठाना है। ये देखिए खुल गई। ये दो ब्लैंक भी दिया हुआ है, 6 वे का है। अगर आपको 4 MCB लगाना है तो 4 वो लगेगा, 2 ब्लैंक लगेगा। ये आप देख सकते हैं, ब्लैंक को ठीक इस तरह लगाएंगे इस साइड में और इस साइड में, ये लग गया, 4 MCB यहाँ फिट होगा। यह इस तरह से हमें फिट करना है। ये आप देख सकते हैं, इसको हमने फिट कर लिया है। जब लगेगा लास्ट में है एमसीबी बॉक्स का जो ढक्कन है, ये लास्ट में लगेगा, जब आपका वायरिंग फाइनल हो जाएगा उसके बाद ये लगेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।